हैप्पी दशहरा। आज हम बनाएंगे मूंगफली का स्वीट, बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे मूंगफली हम रोस्ट कर रहे हैं। इसमें हम ना घी डाले हैं ना ही ऑयल डाले हैं। इसे ऐसे ही भूनेंगे, स्लो आंच पे हम इसे अच्छे से पका लेंगे। मूंगफली यहाँ पे अच्छे से चिटक गई हैं और सुनहरे भी होने लगे हैं। बहुत ही टेस्टी इसका स्वीट बनकर रेडी होता है, बहुत ही कम समय में। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छे से भुन गया है मूंगफली। अब हम आंच को बंद कर देंगे गैस को और ठंडा होने के लिए इसे हम रख देंगे। थाली में फैला दिए हैं, अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब ये थोड़े ठंडे हो गए हैं तो इसके छिलके निकाल लेते हैं। कितनी आसानी से इसके छिलके निकल रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे छिलके हमने निकाल लिया है और साफ कर लिया है कितना अच्छा से। अब हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे डाल के अच्छे से पीस लेंगे, बारीक एकदम पीसना है। इसमें डाल देंगे चीनी और काली मिर्च पाउडर डालेंगे एक चुटकी। यहाँ पे बारीक पीस कर रेडी हो गया है मूंगफली। एक थाली में निकाल ले हैं हम और इसे अब लड्डू बनाएंगे। इसका देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ये बंद रहा है। इसके ऊपर से हमने घी या ऑयल कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मूंगफली खुद ही इतनी ऑयली होती है कि अच्छे से इसके लड्डू बन जाते हैं। ये कितने अच्छे से बन रहे हैं हमारे लड्डू। आप जितना छोटा बड़ा चाहें उतना अपने हिसाब से इसकी साइज रख सकते हैं। हम यहाँ पे मीडियम साइज में ही रखे हैं। बहुत ही झटपट ये बनकर रेडी हो जाता है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही टेस्टी। आप इस दशहरे पे इसे ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही सारे लड्डू हम बना कर इसे रख लेंगे और कितने भी टाइम तक आप इसे रखो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक ये चलता है। आप इसे 5-6 महीने से ज़्यादा भी स्टोर करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे हम छोटा बड़ा दोनों साइज के बना रहे हैं। यहाँ बन के रेडी हो गया है हमारा स्वीट। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।